आज हम लोग 12th यूपी बोर्ड के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में जो सेक्शन ए आता है, जिसमें हम लोग लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी। अब आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से जो स्टडीज में प्रॉब्लम आई है उनकी वजह से 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने कट कर दिया है। तो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि आपको प्रोज में से कौन से चैप्टर्स अब स्टडी नहीं करने हैं, पोइट्री में से किस कौन सी पोइम्स आपको स्टडी नहीं करनी है, और शॉर्ट स्टोरीज में से कौन सी शॉर्ट स्टोरी आपको स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। ठीक है, देखिए, तो ये है हमारा 12th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का रिवाइज सिलेबस, और हम लोग डिस्कस फिलहाल कर रहे हैं किसे, डिलीटेड चैप्टर्स को, जिन चैप्टर्स को गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से, अब आपको उन्हें स्टडी नहीं करना है। और ये बात है टेम्परेरी, अगली हो सकता है अगले सेशन में जब हम लोग रिस्टोर हो जाए इस बीमारी से, तो ये सब वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज। प्रोज में दो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं टोटल। पहले हम लोग स्टडी करते थे कितने, 7 चैप्टर्स, लेकिन अब 7 नहीं रहे, अब केवल आपको स्टडी करने हैं कितने, 5 चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं प्रोज में? पहला चैप्टर डिलीट किया गया है वो है कौन सा, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इसके राइटर थे जेम्स एलन। अब ये चैप्टर आपको स्टडी नहीं करना है। उसके बाद ऑथर जे डी रेडक्लिफ का लिखा हुआ एक बायोलॉजिकल चैप्टर था, इन्फॉर्मेटरी था, जिसका नाम था आई एम जॉनसन, जिसमें हमारे हार्ट के फंक्शनिंग और उसकी हेल्थ के बारे में बताया गया था, वो भी अब आपको स्टडी नहीं करना है। तो ये दो चैप्टर आपके प्रोज से डिलीट हुए। अब हम लोग बात करते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री में टोटल पोइम्स पहले हमें स्टडी करनी पड़ती थी 10, अब लेकिन आपको 10 पोइम्स स्टडी नहीं करनी है, कितनी करनी है, केवल 7। मतलब अब आप इन तीन पोइम्स को स्टडी नहीं करेंगे। कौन कौन से हैं वो पोइम्स? उसमें पहली पोइम जो डिलीट की गई है वह है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च एट, पूरा नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च एट, इसको कंपोज किया था पी वी शैली ने। ये भी आपको अब स्टडी नहीं करनी है। दूसरी एक पोइम थी स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन एन स्नो इवनिंग, इसको भी कंपोज किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसे भी अब आपको स्टडी नहीं करना है। और एक पोइम है हमारे सिलेबस में ला वैली डैम्स एंड मर्सी, जिसमें एक रोमांटिक स्टोरी दिखाई बताई गई थी एक सरदार के बारे में, वो भी अब आपको स्टडी नहीं करनी है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो आपको स्टडी अब नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की। शॉर्ट स्टोरी में टोटल स्टोरी हम लोग स्टडी करते थे 4, बट अब एक स्टोरी डिलीट कर दी गई है, अब बची है आपको स्टडी करने के लिए 3। कौन सा चैप्टर हटाया गया है? उसका नाम है स्पेशल एक्सपीरियंस, जो आपके चैप्टर का 4th चैप्टर होता था आपके सिलेबस का। इसके राइटर थे मुंशी प्रेमचंद जी, उसका ओरिजिनली वो हिंदी में लिखा गया था, इसका इंग्लिश वर्जन हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था, स्पेशल एक्सपीरियंस जो रिलेटेड था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, अब उसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर 3, 2, 3 और 1 6 चैप्टर्स अब आपको स्टडी नहीं करने हैं आपके लिटरेचर के सिलेबस में से। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो पेपर पैटर्न है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। हाँ, एक चीज़, एक आपका प्ले पहले हम लोग स्टडी करते थे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके प्लेराइट कौन थे? विलियम शेक्सपियर। अब ये भी आपको स्टडी नहीं करना है। पहले इससे 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था आपके पेपर में, बट अब इसको आपको स्टडी नहीं करना है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। हम लोगों के जो चैप्टर्स डिलीट किए गए थे जो हमें हम स्टडी नहीं करने हैं, अब हम चलते हैं हमारे पेपर पैटर्न पर, जिस तरह से बोर्ड में एग्जाम पेपर पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न के लिए आप सबको पहले से ही पता है कि हमारा जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या आता है? आपका लिटरेचर का पोर्शन आता है, जो आपको प्रोज पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी पढ़ाया जाता है, और सेक्शन बी में आपका आता है ग्रामर एंड कंपोजिशन।
तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा सेक्शन ए का सिलेबस क्या है, क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम भी अब चेंज कर दी गई है। पहले मार्क्स कुछ और अवार्ड होते थे उन्हीं क्वेश्चंस के लिए, अब कुछ नया आया है क्योंकि आपका कुछ पार्ट डिलीट भी हुआ है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमारा क्या है, सेक्शन ए, जिसे आप लिटरेचर वाला पार्ट कह सकते हैं। लिटरेचर, इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोज से क्या पूछा जाएगा। प्रोज से पहला क्वेश्चन होगा आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आपको स्टडी कराया भी गया होगा 11th में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, एक्सप्लेनेशन वाला। एक आपको प्रोज से स्टेंजा दिया जाता है, आपको उसका रेफरेंस लिखना है, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है वह है एक शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको और करके दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक का आंसर देना है। ये भी आपका प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उनसे, 5 चैप्टर्स बचे उनमें से पूछा जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका वो होगा वोकेबुलरी बेस्ड, एक वोकैब्स की एक्सरसाइज, वोकेबुलरी। ये क्वेश्चन कैसा आता है उसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आता है आपका जो चैप्टर्स का ओरिजिनल टेक्स्ट है जो आपने पढ़ा, उसी में से किसी भी चैप्टर की लाइंस पिक कर ली जाती है और उनमें एक फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है। जैसे उसका एक एग्जांपल देखिए, एक द गर्ल विद ए बास्केट जो चैप्टर है उसमें एक लाइन लिखी है, आई बॉट अ खाली जगह बास्केट, और आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए कि आप इस फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करोगे। ऑप्शन दिए जाएंगे स्मॉल, लिटिल और टिनी। ऑप्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो जिनका मीनिंग लगभग एक जैसा निकलता है या कंफ्यूजिंग होते हैं। देखिए यहाँ भी जो ऑप्शन ये बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्मॉल, लिटिल और टिनी, तीनों का मतलब छोटा है, लेकिन यहाँ आपको वो फिल करना है जो आपकी बुक में दिया गया, और आपकी बुक में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा है, टिनी। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, टिनी। भले ही आपको स्मॉल लिखने से भी मीनिंग निकल रहा है, लिटिल लिखने से भी मीनिंग निकल रहा है, लेकिन आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप टिनी फिल कर दोगे। ठीक, तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रोज के ही सेक्शन से पूछा जाता है। अच्छा, मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन जो करना है आपको वो आपका 5 मार्क्स का है, और वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेंटेंसेस होते हैं, और हर एक नंबर का होता है तो वो भी 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका जो प्रोज मिलकर हो रहा है वो कितना, 19 मार्क्स का हो जाता है। ये तो होगा आपका प्रोज का सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे पोइट्री। पोइट्री के सेक्शन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोइट्री में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन का, एक्सप्लेनेशन। इसमें भी बिल्कुल प्रोज की तरह है, जो आपको आपकी 7 पोइम्स हैं प्रिस्क्राइब, उनमें से किसी एक पोइम का स्टेंजा दिया जाएगा, आपको उसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका पोइट्री में वो है सेंट्रल आइडिया का, सेंट्रल आइडिया। इसमें क्या होगा, आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 पोइम्स के नाम दिए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, उनमें से किसी भी एक पोइम का सेंट्रल आइडिया आपको राइट डाउन करना है। ये मार्किंग स्कीम क्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स का और सेंट्रल आइडिया जो है वो 7 मार्क्स का किया गया है। ये थोड़ा नंबरिंग स्कीम में चेंजिंग है, पहले सेंट्रल आइडिया जो आता था वो 4 मार्क्स का आता था और एक्सप्लेनेशन आता था 8 मार्क्स का। अब ये चेंज क्यों किया गया, क्योंकि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। कौन सा प्ले जो आपका था मर्चेंट ऑफ वेनिस से, उससे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो वो 8 मार्क्स जो है कंपेंसेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के जो वेटेज है वो बढ़ाया गया है। तो ये तो है हमारा पोइट्री का। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट स्टोरी को। शॉर्ट स्टोरी से आपको क्या पूछा जाएगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सेक्शन ए का जो थर्ड
पार्ट है वो है क्या, शॉर्ट स्टोरीज। तो आपके सिलेबस में 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी से, क्या है वो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 10। इसमें क्या होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका 4th पार्ट है वो है फिगर ऑफ स्पीचेस का, फिगर्स ऑफ स्पीच, इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, अलंकार। आपके सिलेबस में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं, सिमिली है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको कौन से स्टडी करने हैं, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, ऑनोमेटोपिया, ये टोटल 7 फिगर ऑफ स्पीचेज आपको तैयार करने हैं। इनसे क्वेश्चन क्या आएगा, इनसे क्वेश्चन आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन विद 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन है वो 2+2 है इज इक्वल टू 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स की डेफिनेशन, और जो आप 2 एग्जांपल्स देंगे उनका 2 मार्क्स ईच। अगर आपने एक एग्जांपल ठीक लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपका टोटल सिलेबस है लिटरेचर के पोर्शन का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो यूपी बोर्ड का 12th का इंग्लिश का पेपर है उसमें जो सेक्शन बी है उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। तो सेक्शन बी की हम लोग बात करेंगे, सेक्शन बी जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये सेक्शन है ग्रामर एंड कंपोजिशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन। सर जी तो इस सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे वो देखिए। आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा नरेशन का, नरेशन। नरेशन क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑब्वियसली नॉर्मली देखो आपके बोर्ड में डायरेक्ट से ही इनडायरेक्ट पूछा जाता है, कभी भी रिवर्स नहीं पूछा जाता कि इनडायरेक्ट दे दिया डायरेक्ट पूछा, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा सिंथेसिस के टॉपिक से, सिंथेसिस जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना या सिंपल सेंटेंस बनाना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो भी एक सेंटेंस होगा आपको, एक सेंटेंस जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वैसा आपको कंपोज करना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस टाइप के सेंटेंस में चेंज करिए, इसे पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से इंटरोगेटिव, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा सिंटैक्स के टॉपिक से, सिंटैक्स के टॉपिक से। इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है वो ग्रामेटिकली गलत होता है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना होता है। इसमें होता क्या है कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई 2 को करेक्ट करके लिखना होता है। और इनका जो मार्किंग स्कीम है ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट 2 मार्क्स का है, इस तरह से 8 मार्क्स का ये पार्ट आपका हो जाता है। अब लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे इस
पेपर पैटर्न का ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले सेक्शन का वो है आपका वोकेबुलरी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है वो वोकेबुलरी को चेक करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसको देखिए, आपसे पूछे जाएंगे इसमें सिनोनिम्स और कितने पूछे जाएंगे, तीन वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, उनके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। अगला उसमें जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा एंटोनिम्स का, ये भी 3 मार्क्स के होंगे। एंटोनिम्स विलोम शब्द जिन्हें कहते हैं, ये भी 3 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, उनके एंटोनिम्स लिखने होंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में जिसे हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में पूछी जाती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से, ये भी 3 मार्क्स के होते हैं। अगला जो पार्ट है इसका वो है होमोफोन्स, ये आपको 2 वर्ड दिए जाते हैं और ये टोटल हो जाता है जाके 2 मार्क्स का। होमोफोन्स क्या है, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका हम प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं, उच्चारण करते हैं तो एक जैसा लगता है, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, हो सकता है स्पेलिंग में भी कुछ डिफरेंस हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए होमोफोन्स का, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम पढ़ें क्या लिखा है, WAIT और WEIGHT, पढ़िए, अगर इनको उच्चारण करेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या कहेंगे, वेट वेट, लेकिन आप सबको मालूम है कि इसका मीनिंग क्या है, प्रतीक्षण, और इसका मीनिंग क्या है, वजन भार। उच्चारण सेम है, अर्थ अलग है, इन्हीं वर्ड्स को क्या, इसी तरह के वर्ड्स को क्या कहा जाता है, होमोफोन्स। अब आपको करना क्या होता है इसमें, आपको करना ये होता है कि आपको इस वर्ड को लेकर भी एक सेंटेंस बनाना है और इस वर्ड को लेकर भी एक सेंटेंस बनाना है जिससे कि इनके मीनिंग में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। इतना आप करोगे तो आपको 1 नंबर फॉर ईच वर्ड आपको अवॉर्ड किया जाएगा। इस तरह से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं इस सेक्शन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस वोकैब्स के सेक्शन में जो आपका अगला पार्ट है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये क्या है, मुहावरे हैं। जिस तरह से हिंदी में आप मुहावरों को पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ते हैं। यहाँ भी क्या करना होता है आपको, अच्छा ये भी 3 मार्क्स के होते हैं, 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 5 दिए जाते हैं। करना क्या है, जो आपको इडियम दिया गया है उसको एक सेंटेंस में आपको लिखना होता है, उसका एक सेंटेंस बनाए और उसको सेंटेंस में इस इडियम को यूज करिए जिससे कि उसके मीनिंग में क्लियरिटी आए। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन पर शायद वो 7 होगा, लेकिन जो 3rd पार्ट है हमारे इस पेपर इस सेक्शन का वो है आपका ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन पहले तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों आते थे, बट अब आपको केवल ट्रांसलेशन आएगा कहाँ, कैसा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है। एक पैराग्राफ हिंदी में दिया जाएगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा ऐसे आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे निबंध लिखने के लिए, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो होगा एक अनसीन पैसेज। क्या है ये अनसीन पैसेज, एक ऐसा स्टेंजा जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया होगा, ना प्रोज में, ना पोएट्री में, ना शॉर्ट स्टोरी में, वो दिया जाएगा आपको, उसके नीचे आप क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस टोटल मिलाकर 6 मार्क्स के होंगे। इसमें सुटेबल टाइटल बताइए, या स्टेंजा में से कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक आध
वर्ड के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ दिए गए, समरी लिखने लिखिए इस पैसेज की, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो नॉर्मली 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मिलकर हो जाते हैं कितने, 6 मार्क्स के। तो इस तरह से ये आपका ग्रामर का सेक्शन बी जो है, ग्रामर एंड कंपोजिशन का ये कवर होता है और टोटल होता है जाकर इसका 50। तो 50 हो गया था आपका लिटरेचर का और 50 हो गया आपका ग्रामर का, तो आपका टोटल जो पेपर है वो हो गया है 100 मार्क्स का।